नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर आकाश और आप देख रहे हैं डॉक्टर सपोर्ट चैनल। तो दोस्तों, आज ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया था पतंजलि की, जो हर्बल ब्लैक मेहंदी आ रही है उसके बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, उससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके से रिलेटेड क्रिटिसाइज़ किया कि भाई पतंजलि की जो आ रही है उसमें तो कुछ 30% हर्बल चीज़ें हैं, मान लीजिए, और 65% लगभग हार्मफुल चीज़ें हैं, और बाकी जो कंपनीज हैं उनमें तो सारी चीज़ें हार्मफुल ही रहती हैं, तो आप पतंजलि को क्यों बदनाम कर रहे हैं? तो दोस्तों, मैं पतंजलि को बदनाम करना मेरा मोटो एकदम भी नहीं है। मेरा आपको सिर्फ ये कहना है कि अगर आप ये सोच के ये चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इससे आपके बाल को फ़ायदा मिलेगा और आपके बाल धीरे धीरे लगाने से ब्लैक हो जाएंगे और फिर आगे चल के सफ़ेद नहीं होंगे, तो ये आपके मन में सबसे बड़ी मिथ है। इसको लगाने से उतने ही आपको हानि होगी जितने कि एक जो आप कलर लेके किसी और कंपनी का अपने बाल में लगाते। बस फर्क इतना है, इसमें कुछ 30-35% चीज़ें जो हर्बल हैं उसकी वजह से जो है, जो आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल सके वो मिलेगा, बाकी जो इसमें हार्मफुल चीज़ें हैं, जो भी इनऑर्गेनिक इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं, उससे उतना ही नुकसान होगा जितना आपको किसी और कंपनी की डाई लगाने से नुकसान होता। तो इसको बहुत ही प्रिकॉशियस तरीके से यूज़ करिए और इसको ऐसे मत लगाइए कि इसको लगाने से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो पतंजलि की पहले मेहंदी आती थी, ग्रीन कलर का उसका मेरे ख्याल से रैपर रहता था, वो पूरी तरह से हर्बल थी, उसमें थोड़ा सा भी केमिकल नहीं था, वो पूरी तरह से आपके लिए सेफ है। आप उसका इस्तेमाल बेशक एकदम बेझिझक तरीके से कर सकते हैं।